दोस्तों, स्वागत है आपका राज ग्रीन गार्डन में। आज हम आपको बताएंगे कि आप नींबू का पौधा यदि गमले में लगा रखे हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि उसमें फूल नहीं आते, यदि फूल आते हैं तो फल नहीं आते, यदि आते भी हैं तो झड़ जाते हैं। दोस्तों, इसे बहुत ज़रूरी है समझना। आपके गार्डन में नींबू लगा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत हरी हरी पत्तियाँ हैं और उसमें फूल नहीं आते। अगर फूल नहीं आएंगे तो फल भी नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। कहीं कहीं होता क्या है, आप वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और फॉलो करना भूल जाते हैं। आपको बता देता हूँ कि नींबू के पौधे में सबसे पहला काम क्या करना होता है। पहले आप इसकी गुड़ाई कर लें, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई कर लें इसकी। थोड़ी सी इसकी मिट्टी हम बाहर निकालेंगे, थोड़ी सी इसकी मिट्टी बाहर निकाल के रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी मिलाएंगे गोबर की खाद। ये आप देख सकते हैं, ये गोबर की खाद है, ये बहुत ही पक चुकी है, बहुत ही भुरभुरी खाद हो चुकी है। अब इसको हम ऐसे थोड़ी सी डाल लेंगे, चारों तरफ से डाल देनी है। चारों तरफ से डाल लें। अब दोस्तों, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी इसके ऊपर ही डाल लें, इसके ऊपर डाल लें। ये दोस्तों आपको 6 महीने या 1 साल में एक बार करना है। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी लोग जो है नर्सरी से पौधा लेके आते हैं छोटा सा और लगा देते हैं उसको किसी बड़े गमले में। तो दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप पानी डालते हैं तो पानी वो हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए फूल भी झड़ जाते हैं और फल भी झड़ जाते हैं। तो जब भी अब आपको मैं बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये दोस्तों देख पा रहे होंगे मेरे भाप में सागर का है। हम थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी ले लेना है। ये आप लगभग 1 लीटर पानी ले सकते हैं और 1 लीटर में डालनी है हमको 4-5 ml ले लेनी है, 4-5 ml ले लेनी है। ये इसमें डाल देनी है, डाल के इसको आप घोल लें। इसको हम हिला के घोल लेंगे। ये दोस्तों घुल चुकी है, तो अब इसको हम इसी में डाल देंगे। और डालने के कुछ दिन बाद आप देखेंगे इसमें बहुत सारे से फूल और फल आएंगे, बहुत ही बढ़िया है ये। अब ये आप देख सकते हैं कि ये पत्तियां जो है इसमें थोड़ी थोड़ी सी कीड़े से लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ कीड़े से लग रहे हैं। तो दोस्तों, कीड़ों से भी कभी कभी होता क्या है कि फूल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पौधे में कितने बढ़िया से फल आए हुए हैं, हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है यही। ये कभी होता क्या है कि जो है आप जब छोटा गमला लेके आते हैं, ये दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप छोटा पौधा लेके आएँ तो बड़े गमले के साइज़ में ना लगाएं, क्योंकि बड़े गमले में लगाएंगे तो पानी ज़्यादा उसमें चेक देंगे तो आपके जो है फूल या फल झड़ सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप पौधा लेके आएँ उसी हिसाब से लगाएं। और ये जो है सागर का, आप इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, यह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनको जो है अब हम बढ़िया अच्छे से, आप इसमें अगर चाहें तो सागर का स्प्रे भी बना के डाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है तयायो, ये कीड़ों के लिए होती है, ये इसका स्प्रे बना के आप पौधे पर डाल सकते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमने थोड़ी सी ले ली है, लगभग 10-15 दाने हम ले लिए हैं, लगभग मान लिए 2 ml, थोड़ा सा लगभग पानी ले लेना है।
इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया। अब हम इसको हिला के इसमें पलट लेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें डाल लिया है। डाल के आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे जो इस पर होने वाले कीड़े हैं, जो लगने वाले कीड़े हैं, माहू हैं, ये सब दोस्तों मर जाएगी और आने वाले कीड़े जो हैं वो नहीं आएंगे। ये आप देख सकते हैं जो पत्तियां कट जाती हैं, ये जो है कीड़े लग जाते हैं इसमें। इसमें आप ऐसे ही छिड़काव कर दें इसका महीने में या 15 दिन पर, या आप जो है इसकी लिक्विड बना के आप गमले में भी डाल सकते हैं। ये अभी जो है ये आप देख सकते हैं हमने इसमें यही इस्तेमाल किया हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें फल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें फल लगे हुए हैं। और ये हमारा पौधा जो है लगभग अभी 2 साल का पौधा है, हर साल ऐसे ही इसमें फल आते हैं। और ये आप जो है ये लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं या स्प्रे से भी डाल सकते हैं, ये कीड़ों के लिए है। और जो है बहुत अच्छा आप देखेंगे इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा उभर के आएगा और बहुत सारे फूल आएंगे, फल भी लगेंगे। इसको आप जो है कहीं भी रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम जो है गमला जो लिए हुए हैं, मेरा प्लेट वाला गमला है, तो आप जिस साइज़ का लाएं।